हेलो, वेलकम टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जावा। इसमें हम देख रहे हैं डोएक, नाइलेट, बीटेक, एमसीए के कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बेसिकली। सो आज की वीडियो में दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। सबसे पहला लिया है मैंने मेथड ओवरराइडिंग विद एन एग्जांपल, और एक लिया है मैंने मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर जो कि MVC आर्किटेक्चर होता है, स्विंग्स, AWT, JSP इन सब में यूज़ होता है। तो बेसिकली जनरली वो होता है क्या और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो शुरू करेंगे मेथड ओवरराइडिंग से। सो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज इन इनहेरिटेंस। सबसे लिया तो इनहेरिटेंस में यूज़ होता है। इन दिस सब क्लास हैज़ सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन पेरेंट क्लास। अब मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में एक डिफरेंस क्या है? मेथड ओवरराइडिंग में मेथड का नेम भी सेम होता है और मेथड का सिग्नेचर भी सेम होता है। सिग्नेचर का मतलब होता है डाटा टाइप, नंबर ऑफ डाटा टाइप, सॉरी पैरामीटर्स का डाटा टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है सब कुछ। एग्जांपल देखते हैं। सो लेट अस से मैंने एक क्लास बनाई, क्लास पेरेंट। इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट किया void m1, और इसके अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट सपोज लिया है इंट आई, और इस क्लास को मैंने यहाँ पे कर दिया बंद। ठीक है, देन आई हैव क्रिएटेड वन मोर क्लास, क्लास चाइल्ड, जो इस क्लास को इनहेरिट कर रही है। सो इनहेरिट के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखेंगे पेरेंट। अब अगर मैं इस क्लास में m1 मेथड की डेफिनेशन नहीं भी देता तो भी ये बाय द रूल ऑफ और द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, बट अगर मैं इसकी डेफिनेशन अब यहाँ पे दे देता हूँ, डैट मीन्स वॉट, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ void m1 int लेट अस से j, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो डेफिनेशन ऊपर से आ रही थी पेरेंट क्लास से उसको मैं यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ। सो दिस इज ओवरराइडिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पेरेंट, तो मैं यहाँ पे हो सकता है इसको ओवरराइड करके प्रिंट करा दूँ चाइल्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपने एक पेरेंट क्लास के मेथड की डेफिनेशन को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर दिया, उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है MVC आर्किटेक्चर होता क्या है। सो बेसिकली देखो, MVC आर्किटेक्चर जो है इसका यूज़ क्यों होता है? इसका यूज़ होता है टू सेपरेट द बिजनेस लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन लॉजिक डाटा लेयर्स। तो ये क्या करता है, इट सेपरेट्स बेसिकली बिजनेस लॉजिक प्रेजेंटेशन लॉजिक एंड डेटा। मतलब कि तीन डिफरेंट डेवलपर्स अब इन तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सेपरेटली काम कर सकते हैं। डेट इज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर। सबसे पहले इसमें बात आती है मॉडल की। मॉडल रिप्रेजेंट करता है बेसिकली आपका डेटा एंड बिजनेस लॉजिक। सो इट इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। जो बिजनेस लॉजिक है और जो डेटा है वो हम इसके अंदर देखते हैं मॉडल के अंदर। द सेकेंड इज़ व्यू। सिंपल है, GUI बनता है इसमें। सो हम इसमें कह सकते हैं इट इज़ द प्रेजेंटेशन। सो इट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंटेशन, डेट इज़ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और जो कंट्रोलर होता है रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो डेट इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन और द मीडिएटर बिटवीन मॉडल एंड व्यू। सो इट इज़ द मीडिएटर और द इंटरफेस बिटवीन मॉडल एंड व्यू। सो जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं वो कौन हैंडल करता है? कंट्रोलर। सो इसका एक छोटा सा डायग्राम है किस तरह से काम करता है, सो वो देख सकते हैं हम यहाँ पे। सो लेट अस से दिस इज़ द व्यू।
अब देखो अगर हम JSP फाइल की कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो व्यू है इट इज़ एन JSP पेज, एक JSP का फॉर्म हमने क्रिएट किया हुआ है जो यूज़र को दिख रहा है और यूज़र उसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज़ एंटर कर रहा है। देन द सेकेंड इज़ मॉडल। मॉडल हो सकता है कि मैंने एक सर्वलेट के ऊपर कोड लिखा हुआ है या जावा बीन के ऊपर मैंने कोड लिखा हुआ है जो कि स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन वी हैव अ कंट्रोलर। सो कंट्रोलर कैन बी अ फिल्टर जो कि रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है। सो इस तरह से ये काम करता है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से करेगा, व्यू से मॉडल एंड लाइक दिस। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली काम कैसे करते हैं। सो बेसिकली जब यूज़र आता है व्यू के ऊपर तो वो कुछ फॉर्म को फिल करेगा तो कुछ इवेंट्स जनरेट होते हैं और वो इवेंट्स पास होते हैं कंट्रोलर के पास। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द व्यू डिटरमाइंस विच इवेंट्स आर पास टू द कंट्रोलर। सो बेसिकली हेयर द इवेंट्स आर पास्ड टू कंट्रोलर, जैसे कि बटन क्लिक हुआ, कोई चेकबॉक्स क्लिक हुआ, इस तरह से। देन कंट्रोलर अपडेट्स द मॉडल बेस्ड ऑन द इवेंट्स रिसीव्ड। तो कंट्रोलर क्या करेगा, जो मॉडल है उसको अपडेट कर देगा। सॉरी जैसे कि सपोज अगर यहाँ पे किसी यूज़र ने कहा था कि मुझे एक पर्टिकुलर यूज़र का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसने उस यूज़र का नाम डाला, बटन क्लिक किया, यहाँ पे आई इन्फॉर्मेशन। यहाँ से वो मॉडल के पास भेजेगा जो कि आपका बेसिकली है बीन। सो मॉडल के पास भेजेगा, मॉडल क्या करेगा, अब डेटाबेस में से डेटा को फेच करेगा और वापस से व्यू के ऊपर उसको पास कर देगा। सो द मॉडल पासिस द डेटा फॉर रेंटरिंग, डेटा को पास कर देगा ताकि जो यूज़र है उसको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो सके। सो दिस इज़ दी MVC आर्किटेक्चर। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं MVC आर्किटेक्चर के, बेसिकली दो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात तो जो नेविगेशन कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड होता है इसमें, सेंट्रलाइज्ड नेविगेशन कंट्रोल। और देखो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें आपके तीनों जो लॉजिक हो गए हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। मतलब व्यू की डिज़ाइनिंग को एक अलग यूज़र कर सकता है, इसकी डिज़ाइनिंग इसकी कोडिंग को एक अलग यूज़र कर सकता है, इसकी डिज़ाइनिंग कोडिंग एक अलग यूज़र कर सकता है। एंड एट द एंड जब आपको एप्लीकेशन बनानी है आपको इन तीनों को इंटीग्रेट करना है सिंपली। एंड द सेकेंड इज़ इट इज़ ईजी टू मेंटेन और ईजी टू डेवलप बिग एप्लीकेशंस एज ईच लेयर इज सेपरेट, क्योंकि हर लेयर सेपरेट है अपने आप में। तो ये एक बड़ी एप्लीकेशन को बनाना ईजी है, आप इसके काम को डिवाइड कर सकते हो अमंग योर टीम। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।